बांध का गेज सोमवार सुबह तक करीब 31 फीट तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी जवाई बांध करीबन 30 फीट खाली है। बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट का गेज है। बांध में इस मानसून में करीबन 17 फीट पानी आया है। पिछले 4 दिनों में जवाई बांध कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात होने से पहाड़ों से पानी की आवक शुरू हो गई है। वहीं साथ में सायक से ही बांध में पानी की आवक तेज हो गई है, जिसके कारण जवाई का गेज भी तेजी से बढ़ रहा है। पानी की आवक होने से किसानों और आमजन के चेहरों पर रौनक देखने को मिली। जल संसाधन विभाग सुमेरपुर कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया ने बताया कि जवाई क्षेत्र में अच्छी बरसात और सेई बांध पानी की आवक हो रही है। उन्होंने बताया वाकली और तख्तगढ़ बांध समेत अन्य बांधों में भी पानी की आवक जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद हमसे फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, जवाई बांध में पानी की आवक तेजी से हो रही है क्योंकि राजस्थान में मानसून जो है वो लगातार एक्टिव है, लगातार बारिश बनी हुई है, जिससे लोगों में भी अब खुशी की लहर है क्योंकि उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है, मानसून लगातार एक्टिव। वहां के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है या बारिश रुकी हुई है? बांध में कितनी आवक पानी की हो चुकी है? क्या कुछ अपील प्रशासन के द्वारा वहां के लोगों से की जा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिन से क्षेत्र में बारिश का दौर जारी था, लेकिन कल दोपहर से ही बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन जवाई बांध में साई बांध और जवाई कैचमेंट एरिया से पानी की आवक होने के कारण जवाई का गेज तेजी के साथ बढ़ रहा है। जवाई का गेज आज 12 बजे तक करीबन 21 फीट हो चुका है। अभी भी जवाई बांध करीबन 30 फीट खाली पड़ा है, लेकिन बांध के साथ साथ क्षेत्र में जो नदियां है उनमें भी पानी की आवक हुई है। छोटे मोटे बांधों में भी पानी की आवक हुई है, जिसके कारण तालाबों में भी पानी की आवक हुई है, जिसके कारण लोगों में थोड़ी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन जवाई बांध अभी तक करीबन 30 फीट खाली है, लेकिन प्रशासन ने भी अपील की है कि जवाई नदी हो या आसपास की कोई नदियां बहती हो, तालाब हो, उनसे दूर रहने के लिए प्रशासन ने लगातार अपील कर रहे हैं। बटे हुए पानी में बांध न उतारे, उसको लेकर भी उपखंड प्रशासन हो या जल संसाधन विभाग के प्रशासन हो, लगातार अपील भी किया जा रहे हैं। लेकिन बरसात होने से आम जन के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। अब पाली जिले वासियों की मैं बात करूं तो जवाई बांध में पानी आता है तो लोगों को पैदल के लिए जो सुविधा मिलती है उससे लोगों को थोड़ी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन जवाई बांध करीबन अभी भी आधा खाली पड़ा है। जी अरविंद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।